हाई एवरी वन, सो हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? मस्ट बी गुड. सो अब हमारे एग्ज़ाम में 3 दिन से भी कम का टाइम रह गया है, तो अब हमारे लिए हमारी स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? दैट इज़ रिविजन. रिविजन अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड रिविजन भी उन चीज़ों का जिनके आने की प्रोबेबिलिटी हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा है. सो विदाउट रिविजन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल दी थिंग्स. जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, हम एग्ज़ाम में आंसर्स लिख रहे होते हैं, वहाँ पर रिविजन की वैल्यू सबसे ज़्यादा हमें पता चलती है, क्योंकि कई बार हम एक बार पढ़ के टॉपिक्स को छोड़ देते हैं एंड हम उन्हें रिवाइज नहीं करते. बट एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले की हमारी स्ट्रैटेजी सिर्फ क्या होनी चाहिए कि हम सब टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करें, एंड स्पेशली दोस टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं. तो आज की हमारी वीडियो का मोटिव यही है कि हम वो टॉपिक्स के ऊपर बात करें जो 3 दिन में जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे रिवाइज हो जाएं, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर UGC NTA नेट एग्ज़ाम. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस कि कौन से क्वेश्चन का वेटेज कितना हो सकता है इन अवर जून एग्ज़ाम. सो लेट्स स्टार्ट दी डिस्कशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक नाउ. सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज सिलॉजिज्म. सो सिलॉजिज्म आपने देखा ही होगा, हमारे एग्जाम में हमेशा आता है. सिलॉजिज्म से 2-3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस, तो ये ज़रूर याद करिए. पहले क्वेश्चंस मोस्टली इसमें कैसे आते थे, हमेशा आता था डायरेक्ट क्वेश्चन कि 2 स्टेटमेंट दे देंगे, उनका कंक्लूजन दे देंगे, उनसे हमें कोड्स बताने हैं कौन से सही हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पर थियोरेटिकल भी आने लग गए हैं. वेन डायग्राम की कई बार डेफिनेशन आ जाती है, सिलॉजिज्म की कई बार डेफिनेशन आ जाती है, और उनसे पूछा जाते हैं उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं. दैट यू हैव टू मार्क ऑल द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वेन डायग्राम. सो यहाँ पर अब थियोरेटिकल पार्ट भी पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट भी पढ़ना है जहाँ पर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, दूसरी तरफ हमें वो पार्ट भी पढ़ना है जहाँ पर हमें थियोरेटिकल पार्ट सॉल्व करना है. सो सिलॉजिज्म में क्वेश्चन वेन डायग्राम के भी आते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अपोजिशन के आते हैं. इसका मीनिंग ये है कॉन्ट्ररी लॉज, सबोल्टन लॉज, वी हैव सब कॉन्ट्ररी लॉज. सो कॉन्ट्रोडिक्ट्री, कॉन्ट्ररी, सबोल्टन, ये सारा पार्ट इसमें आ जाएगा, एंड वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने का पार्ट इस तरफ आ जाएगा जहाँ पर क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से भी आ सकता है. सो सिलॉजिज्म एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से 5 to 6 मार्क्स निकलते ही निकलते हैं हमारे. सेकेंड टॉपिक इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर 2018 दिसंबर के भी एग्जाम में देखा जाए, 2 से 3 क्वेश्चंस हमारे वहाँ भी इससे टॉपिक से बने थे. सो ये टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है, क्लासरूम कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन. सो ये क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करना है, इसके सारे फीचर्स देखे जाएंगे, इसके सारे रिक्वायरमेंट्स देखे जाएंगे, और इसके भी चांसेस हैं 2 से 3 क्वेश्चंस आने के इस बार भी, क्योंकि लास्ट टाइम भी इससे 2 क्वेश्चन आए थे दिसंबर के एग्ज़ाम में. सो ये टॉपिक प्रिपेयर ज़रूर करें. देन अब थर्ड टॉपिक इज़ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़रूरी है कि टीचिंग लर्निंग का जो एक रिलेशनशिप है वो कैसा होता है. एग्ज़ाम में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, इनके फीचर्स दे दिए जाते हैं एंड उनमें से कोड्स पूछे जाते हैं कि कौन से फीचर्स रिलेवेंट हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. या फिर एक क्वेश्चन टीचिंग में भी आ सकता है कि टीचिंग प्रोसेस के जो रिक्वायरमेंट्स है, फीचर है, What should a teacher need to have an effective classroom? और learning process में भी question आ सकता है कि एक learner की, एक student की main requirement क्या है. So यहाँ पर question कुछ इस तरीके से आ सकते हैं, तो इनसे भी 2 question हमारे बन सकते हैं. Then comes effective classroom teaching. अब यहाँ effective classroom teaching और methods of teaching की बात करी है जिनसे again 2 question बन जाते हैं. यहाँ पर जो effective classroom teaching है and effective classroom communication है, ये topic बहुत मिलते जुलते हैं because यहाँ पर classroom को effective करने की बात हो रही है. तो इनके features, इनकी requirements ज़रूर पढ़ के जाएँ कि ऐसा क्या करा जाए कि effective classroom teaching हो. क्या हमें teaching aids रखनी चाहिए, या फिर teacher को subjective knowledge अच्छी होनी चाहिए, या फिर एक स्टूडेंट की जो विल पावर है पढ़ने के लिए वो कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. सो यू हैव टू नो दीज थिंग्स केयरफुली. देन कम्स मेथड्स ऑफ टीचिंग. अब मेथड्स ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग, समेटिव टीचिंग, ये सब चीज़ें पढ़ के ज़रूर जानी है बिकॉज कई बार क्वेश्चन इनसे भी आ सकता है. तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन फिर बन जाते हैं. देन कम्स अ वेरी डायरेक्ट टॉपिक एंड अ वेरी ईजी टॉपिक. मेरे हिसाब से आपके, आप सबके लिए टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है एंड बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक भी रहेगा. यहाँ पर बात हो रही है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एब्रीवेशंस की. कंप्यूटर में फायरवॉल्स, पाम, देयर इज वायरस,
DBS, इन सब की जो एब्रीवेशंस जो हैं, ये सारे जो डेफिनेशंस हैं, इनकी प्रॉपर जो एक स्टेटमेंट होती है वो याद करना ज़रूरी है फॉर एनटीए नेट एग्ज़ाम, बिकॉज कंप्यूटर से क्वेश्चन मोस्टली या तो एब्रीवेशंस आएंगी या फिर डेफिनेशन पूछ ली जाएंगी कि फायर वॉल्स की डेफिनेशन क्या है. मे बी दे विल राइट अ डेफिनेशन, फॉर इंस्टेंस फायर वॉल्स की डेफिनेशन लिख दी क्वेश्चन में एंड ऑप्शन में दे दिया वेदर इट इज़ वॉर्म और फायर वॉल्स और वायरस. सो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर्स में, एंड मोस्टली कंप्यूटर में क्वेश्चन यही आएंगे. दूसरा आता है डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर. डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर में क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकता है सीपीयू के ऊपर, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम में आ सकता है कि इनका जो फीचर है क्या है, या फिर इनका एक फीचर दे देंगे एंड पूछेंगे वेदर इट इज़ सीपीयू और इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंप्यूटर्स में. उसके बाद डेफिनेशंस तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है, और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें रिवीजन कोर्स है जो हमने हमारी रिवीजन की वीडियो निकाली है उनमें ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है, तो वो ज़रूर देखिए. देन कम्स इन अवर सेकेंड स्लाइड नेचुरल हैजार्ड्स, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज. लास्ट टाइम भी क्वेश्चन ये आया था, लास्ट टाइम ड्रॉट में हमारा एक क्वेश्चन आया था नेचुरल हैजार्ड्स का, अर्थक्विक से भी आया था क्वेश्चन, पोल्यूशन से क्वेश्चन ज़रूर आता है. वहाँ पूछा जाता है पोल्यूटेंट्स के बारे में. अगर आप रिवीजन की वीडियोस देखें हमारी, तो वहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस किया है पोल्यूटेंट्स के बारे में एंड उनकी डिजीज़ के बारे में कि उनसे क्या क्या हो सकता है. देन कम्स क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज में कॉन्फ्रेंसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू नो कब क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई, ओजोन लेयर की कब कॉन्फ्रेंस हुई, कौन सी कॉन्फ्रेंस होने भी वाली है, या फिर इसमें रैंकिंग्स क्या क्या हैं वर्ल्ड की, लाइक CO2 की रैंकिंग्स क्या हैं. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, करंट अफेयर्स से भी आ सकता है इसमें हमारा क्वेश्चन, दैट लाइक इंडिया ने कौन सी न्यू डील करी है, कोई एनर्जी के टारगेट्स हैं तो वो क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स हैं तो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं तो वो भी क्या है. तो यहाँ से ईजीली 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं नेट के लिए जो कि 8 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. देन कम्स मैथमेटिक्स. देखिए मैथमेटिक्स ऐसा पार्ट है, ये पार्ट से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और ये हमारा कैसे अच्छा हो सकता है, मॉक टेस्ट पेपर्स, जितनी प्रैक्टिस की जाए. मैथ्स में स्कोर करने का तरीका ही ये है कि जितनी भी प्रैक्टिस करी जाए, जितना भी ज़्यादा उसमें सॉल्व किया जाए, बिकॉज जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था मेरी मैथमेटिकल पार्ट वीक था, माई मैथमेटिकल पार्ट वॉज लिटिल वीक. सो वट आई डिड, बिकॉज आई स्कोर गुड इन मैथ्स इन माई UGC NTA नेट एग्ज़ाम, तो मैंने उसको कैसे किया, मैंने करा प्रैक्टिस करके. आई यूज़ टू स्टडी अ लॉट, मैंने डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाए सो दैट मेरा कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज ब्लड रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, बिकॉज वैन यू प्रैक्टिस दीज थिंग्स माइंड में क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी आएगी तो जल्दी जल्दी हम सोच पाते हैं जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है. यहाँ से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन अगेन बन जाते हैं. देन कम्स मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च. ये भी मैंने अपनी हमारी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है, मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स. ये जो दोनों पार्ट्स हैं, एरर्स इन रिसर्च, PhD फॉर्मेट, यहीं से ही 5 क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार. यही जो पार्ट्स हैं, एथिक्स से क्वेश्चन बहुत आता है, एथिक्स के बेसिकली फीचर से क्वेश्चन काफ़ी आ सकता है कि एथिक्स के जो फीचर्स हैं लाइक यू नीड अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी शुड बी देयर, प्लेजरिज्म शुड नॉट बी देयर. सो ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है इन रिसर्च एथिक्स. उसके बाद मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च में अगर देखा जाए, वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ज़रूर पढ़ के जाइए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ज़रूर पढ़ के जाइए, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, बिकॉज क्वेश्चंस इन्हीं के आसपास घूमेंगे. देखिए क्वेश्चंस मे बी थोड़े डीप आए, बट यू हैव टू स्टडी दीज, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आएंगे. इनके मे बी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए एंड पूछा जाए ये कौन सी रिसर्च का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल लाइक एक्सीडेंट रिपोर्ट, एक्सीडेंट रिपोर्ट किसका पार्ट है, देन यू हैव टू आंसर इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. वाई? बिकॉज पहले एक्सीडेंट हो गया है, फैक्ट पहले हो गया है एंड कॉजेज बाद में ट्रेस होंगे एंड यू कैन नॉट कंट्रोल दी कॉजेज ऑल्सो, सो इट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. देन आता है एरर्स इन रिसर्च. एरर्स इन रिसर्च आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कैसे कैसे लाइक एरर्स होते हैं रिसर्च में. यहाँ पर सैम्पलिंग एरर्स की भी बात आ सकती है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा फीचर है जो एरर्स ऑफ रिसर्च में आता है, या फिर कौन सा फीचर है जो एरर्स ऑफ रिसर्च में नहीं आता है. तो क्वेश्चंस कुछ इस स्टाइल में आ सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ लर्निंग में आ सकता है पेडागॉजी के बारे में, और भी ऐसी जो डेफिनेशंस हैं विच आर रिलेटेड टू लर्निंग, तो इनसे हमारे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं इन अवर UGC NTA नेट एग्ज़ाम. देन कम्स डेफिनेशंस
अंडर लॉजिकल रीजनिंग, ये पार्ट भी हमने हमारी रिविजन वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको कि जो डेफिनेशन है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, वेदर इट इज़ लेक्सिकल, स्टिपुलेटिव, पर्सुएसिव, ये सारे क्वेश्चंस में ज़रूर आती हैं। कॉजल ले लीजिए या फिर लेक्सिकल सुपलेटिव, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मे बी दे विल गिव यू डेफिनेशंस और दे विल गिव यू द फीचर्स ऑफ दैट लॉजिकल रीजनिंग डेफिनेशन। आपको बताना होगा कि कौन सी डेफिनेशन है, वेदर इट इज स्टिपुलेटिव और लॉजिकल और पर्सुएसिव। सो इनसे एक से दो क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं, तो ये सब ज़रूर पढ़ के जाइए बिकॉज ये सब एग्जाम में ज़रूर आएगा। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज, सो दीज टू टॉपिक्स यू ऑलरेडी नो, दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई बोलने की बात नहीं है कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। आप सब पहले से ये चीज़ जानते हैं, बट मेरा यहाँ इनको लिखने का मोटिव ही ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि जितने प्रैक्टिस पेपर आप लगा लेंगे, जितने मॉक टेस्ट पेपर आप डेली लगा लेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी ये 20 मार्क्स लेना। पाँच पाँच क्वेश्चन इनसे बनेंगे एंड ये 20 मार्क्स बहुत ज़रूरी है फॉर UGC NTA नेट एग्ज़ाम, बिकॉज 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं JRF क्रैक करने के लिए, नेट क्रैक करने के लिए भी इनका मार्जिन बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़रूर DI एंड कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस पेपर जितने हो सके आप लगाइए, जितना इनमें रिविजन हो सके, जितनी ट्रिक्स पता लग सके ज़रूर सॉल्व करिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बेसिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इससे एक या दो क्वेश्चन ही आएंगे। यहाँ पर मेनली ज़रूर पढ़ के जाए गवर्नेंस के बारे में, यहाँ पढ़ के जाइए कमीशन्स के बारे में, जो न्यू न्यू चीज़ें आई हैं, कोई अमेंडमेंट पास हुआ है या फिर कोई पॉलिटी में, लाइक यू कैन स्टडी अबाउट फंडामेंटल राइट्स, द अमेंडमेंट्स और गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक्स। तो इसमें मोस्टली एक या दो क्वेश्चन ही बनते हैं। देन कम्स प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे जाएँ, इनसे भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, सेंडर से लेकर रिसीवर के बीच में क्या क्या होता है, फीडबैक कहाँ आता है, चैनल कहाँ आएगा, मैसेज कहाँ आएगा, इनका सीक्वेंस ज़रूर पढ़ के जाना है जो कि क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है। देन कम्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इज इट डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उनकी डेफिनेशन दे देंगे या फिर फीचर दे देंगे एंड दे विल आस्क यू ये कौन सी कम्युनिकेशन है। सो ये बहुत डायरेक्ट टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ना ज़रूरी है। देन कम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स, जो कि हमने हमारी लास्ट वीडियो करंट अफेयर्स में पूरा हमने ऐड किया है, इससे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बल्कि हम बोलेंगे आपको, क्योंकि बहुत रैंकिंग्स आई हैं, बहुत करंट टॉपिक्स आए हैं। जो MHRD की रैंकिंग आई है वो ज़रूर पढ़ के जाएँ बिकॉज उनसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। देन कम्स इंडिया लॉजिक, ये देखिए नया टॉपिक ऐड हुआ है इंडिया लॉजिक। सो कोई टॉपिक नया हुआ है तो उससे क्वेश्चन तो आना बनता ही बनता है, तो ये टॉपिक से भी 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हमारे पूरे हैं, तो ये टॉपिक भी पढ़ के आप ज़रूर जाइए। सो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा है, वी हैव डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अवर रिविजन फॉर UGC NTA नेट, जिनके थ्रू बहुत ईजी है नेट एग्ज़ाम क्लियर करना अगर हम उनको ढंग से रिवाइज करके जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ये टॉपिक्स जितनी जल्दी हो सके हम रिवाइज करें। हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हम ये 3 दिन में ये टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें, अच्छे से रिवाइज कर लें, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस कि हम एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी इन चीज़ों को लिख पाएँ, वी कैन अटैम्प्ट देम ईजीली। सो डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर हम डेली मॉक टेस्ट पेपर ले रहे हैं इन्हीं टॉपिक से, at 11 AM एंड 4 PM। सो डू ज्वाइन द ग्रुप, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल द बेस्ट।